गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज भानु एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दे अध्यापक। और एक रिक्वायरमेंट आ रही थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। तो आप देख सकते हैं यह हम ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं और यह इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट 2021 दिया गया है। और ऑर्गेनाइजेशन आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी आ रही है और यह जो मोड होगा अप्लाई करने का वह ऑफलाइन होगा। तो आगे देखिए कि कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दिया गया है हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि आप लोग को बताया गया था। और पोस्ट कौन कौन से होंगे, तो देखिए पोस्ट नेम दिया गया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ और स्टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए ये चार पोस्ट दिए गए हैं। तो इसकी वैकेंसी आ रही है। तो आगे देखते हैं इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2021 सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आप लोग को एग्ज़ाम नहीं देना है और यह सिर्फ इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। तो यह देखिए इंटरव्यू के प्रोसेस से आपका सिलेक्शन होगा। और इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट 2021 सैलरी आपका क्या होगा, ये सारे पोस्ट के लिए सैलरी यहाँ डिटेल्स में दिया गया है। तो आप देखिए जो आपका पहला पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उसका सैलरी 9300 से लेके 3400-800 होगा और इसका ग्रेड पे आपका 4600 रहेगा। नेक्स्ट है टैक्स असिस्टेंस, इसका होगा 20200, यह आपका सैलरी होगा और ग्रेड पे आपका 2400 का रहेगा। तो देखिए यह सैलरी बहुत ही अच्छा दिया गया है इसमें इनकम टैक्स का सैलरी, और इस पे जो पोस्ट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यह सैलरी दिए गए हैं। तो देखिए और नेक्स्ट में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 5200 से 20200 इसका भी सैलरी रहेगा और इसका ग्रेड पे 1800 रहेगा। और जो स्टेनोग्राफर है उसके लिए 5200 से 20200 और इसका जो ग्रेड पे होगा वो 2400 होगा। तो ये आप सैलरी देखिए बहुत ही अच्छा खासा सैलरी दिया गया है। अब आते हैं कि इसका जो रिक्रूटमेंट का एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज आपका 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। तो यह है एज लिमिट। नेक्स्ट है अप्लीकेशन फीस। तो यह फॉर ऑल कैंडिडेट्स नो फी, यानी कि आपको कोई भी कैटेगरी के हैं तो आपको कोई फीस नहीं देना है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन 2021 एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए पहला पोस्ट के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आपको पोस्ट चाहिए डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो आपको कोई एक डिग्री चाहिए, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो आप इनकम टैक्स का जो फर्स्ट पोस्ट दिया गया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, आप इसके लिए भर सकते हैं। नेक्स्ट है टैक्स असिस्टेंस, इसके लिए आपके पास एक डिग्री चाहिए और आपके पास डाटा एंट्री और आपका जो स्पीड होगा वो 8000 की डिप्रेशंस पर आवर ये होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड टू के लिए, तो ये आपके पास जो क्वालिफिकेशन मंगा है ये 12th पास होने चाहिए आप। नेक्स्ट है मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए आपके पास 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगा है, तो आप 10वीं पास है तो भी आप मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसीज है वो है 14, तो आप भर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस यहाँ दिया गया है और आप कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पूरा डिटेल में दिया गया है कि आप इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके ये कर सकते हैं। और अगर आपको इसका नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ दिया गया है, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा तो ये डाउनलोड, देखिए यह जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये डाउनलोड हो चुका है और इस पर जो बताया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपका जो फी है, सैलरी, वह सब सारे ग्रेड पे एलिजिबल कंडीशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट, ये सारे आपके इस फॉर्म में दिए गए हैं। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यह थी एक अपडेट जो कि आ रही थी हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से वैकेंसी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।